और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, केस दर्ज होने पर जियाउर रहमान भड़क गए हैं। स्पीच देने पर बेवजह केस दर्ज किया गया है। जियाउर रहमान की तरफ से कहा गया है, ऑफिसर्स को भी जियाउर ने चेतावनी दी है कि एक तरफा कार्रवाई का बदला लेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं संभल से और इन पर केस दर्ज हुआ है स्पीच को लेकर, जिस पर जियाउर अब बाकायदा धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई का बदला लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से और उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, अगर बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो उनका साझा कर देते हो तो याद रखना, हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं है। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। याद रखना, भूलने के नहीं चीजों जो हमारे याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे ऊपर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जेडीएस से निलंबित कर दिए गए हैं प्रज्वल रवन्ना। दरअसल एक वायरल वीडियो सामने आया था और इस वीडियो के मामले में ही उन्हें जेडीएस से निलंबित किया गया है। वीडियो केस में पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। हासन से उम्मीदवार है प्रज्वल रवन्ना, जिन्हें जेडीएस से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रज्वल मामले पर बोले हैं अमित शाह, देश की महिलाओं के साथ खड़े हैं, मातृशक्ति के अपमान की घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस ने अब तक कार्रवाई नहीं की। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, प्रज्वल मामले पर कड़ा एक्शन हो। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृ शक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। मोदी कहा एक्सरे निकालने की बात कह रही है कांग्रेस, तो लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है, मेहनत का पैसा लूटना चाहती है कांग्रेस। जो आपकी मेहनत का पैसा लूट ले ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपकी संपत्ति छीनने का उनका इरादा, ये खतरनाक इरादा है। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किया राम मंदिर का विरोध, कांग्रेस की विचारधारा वामपंथ वाली, ये कहते थे मंदिर बना तो आग लग जाएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बीजेपी के 10 साल और कांग्रेस के 60 साल का अंतर साफ है। हमने 10 साल में वो करके दिखाया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह पर किया हमला, कहा कांग्रेस समय में रहे प्रधानमंत्री मनमोहन ने गरीब गरीब की जपते रहते माला, हमने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। महाराष्ट्र के माढ़ा में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, कहा बीजेपी को जनता का मिल रहा है प्यार, में जनता की सेवा में लगा हुआ। महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी, कहा महाराष्ट्र की ये धरती संतों के आशीर्वाद से बन रहा है विकसित देश। गुवाहाटी में बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा दक्षिण में भी बीजेपी को समर्थन मिल रहा है, 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष आरक्षण पर भ्रम फैला रहा है, आरक्षण खत्म करने की बात निराधार है, कांग्रेस झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। फेक वीडियो पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने मेरा फेक वीडियो बनाया है, फेक वीडियो से भ्रम फैलाया जा रहा है। गृहमंत्री ने राहुल और प्रियंका पर हमला किया, कहा चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये कंफ्यूजन आत्मविश्वास की कमी दिखा रहा है। रिपब्लिक भारत पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी लोगों का मिल रहा है समर्थन, देश का विकास सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आरएसएस ने किया देशहित के लिए काम, स्वयं सेवक होना गर्व की बात, भारत लगातार कर रहा है विकास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सरकार के लिए राजनीति कर रहा है, देश बनाने के लिए करना चाहिए राजनीति। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं सिर्फ झूठ, इंडी गठबंधन संविधान के खिलाफ। आरक्षण को लेकर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने पिछड़ों के अधिकार को छीना है, SC/ST के अधिकारों पर की सेंध मारी। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का विवादित बयान, कहा चुनावों में वोट जिहाद करना होगा, संविधान के लिए और अल्पसंख्यकों को वोट जिहाद करना होगा। मारिया आलम के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा विपक्ष बौखला गया है, चुनाव आयोग संज्ञान ले। गृहमंत्री के फेक वीडियो का मामले में दिल्ली पुलिस IFSO यूनिट की जांच तेज, 15 से ज्यादा लोगों को समन करने जा रही है पुलिस। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों को चिताया, कहा वोट देते हुए मुस्लिम समाज सब याद रखे, अगर हम लोगों को खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय की तरह हो जाएगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बिहार में एनडीए के हालात बहुत खराब हैं, एनडीए का सफाया बिहार से हो चुका है, इसलिए घबराए हुए हैं। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष को जनता ने नकारा, राहुल लड़े या कोई और, जीतेगी बीजेपी ही, यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत के 7 सीटें ला रही है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश के बस की बात नहीं है बीजेपी को हटाना, विपक्ष ICU में पड़ा है, जनता उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं दे रही। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का इंडी गठबंधन पर तंज, कहा राहुल की तुलना पीएम मोदी से करना गलत है, देशवासी चाहते हैं मोदी फिर बने प्रधानमंत्री। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने किया कंगना पर हमला, कहा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है कंगना वो हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। एमपी के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा अगर सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी राज्य में टिकने में सक्षम नहीं है। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण देना गलत है, ये संविधान में भी लिखा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर हमला, कहा मोदी जी देश के विकास में लगे हुए हैं और लालू प्रसाद का पूरा परिवार देश को लूटने में लगा है। मनोज झा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी संविधान के प्रावधान को कर रही है खत्म, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब रह गया, CAA NRC इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ग्रुप में मुंबई उत्तर पश्चिम से रविंद्र जयकार को वोट टिकट दिया गया है, संजय निरुपम इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। पुरानी जनरेशन के क्लासिक है शौक, नई जनरेशन को चाहिए नए जमाने की मौज। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। पता नहीं क्रिकेट का फ्यूचर कैसा होगा, पर सीलिंग फैंस का फ्यूचर पता है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी हियर। ओरिएंट एरोस्लिम विद रिवर्स रोटेशन मोड जो इम्प्रूव करे एयर सर्कुलेशन। ओरिएंट BLDC फैन, द फ्यूचर ऑफ फैंस।